सो वी कैन इन्फर दैट तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो इस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में एक कैरेक्टर एक टाइम पे यूज होता है। एफ टू जनरेशन में मेंडल को इस तरह का जो रेशियो ऑब्टेंड हुआ था उसके बेस पे मेंडल किस तरह के इंटरप्रिटेशन पे पहुंचा, उसने किस तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन किया। वी कैन इन्फर दैट मीन्स हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वी कैन इन्फर दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स ऑफ पेरेंट्स गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड एंड ट्रांसमिटेड टू दी गैमेट्स। इन सच अ वे दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील ऑफ अ कैरेक्टर। मेंडल ने जो एफ टू जनरेशन में रिजल्ट देखा कि जब एफ टू जनरेशन ऑब्टेंड होती है तो उसके अंदर टोल प्लांट के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट्स भी अपियर होते हैं, जबकि जो रिसेसिव कैरेक्टर थे वो एफ वन जनरेशन में अपियर नहीं हुए थे। मीन्स एफ वन जनरेशन में कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं था, लेकिन एफ टू के अंदर वो ड्वार्फ कैरेक्टर वापस अपियर हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो हम इससे इन्फर कर सकते हैं, यानी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, या जो मेंडल ने भी कंक्लूजन निकाला था, द एलील्स ऑफ पेरेंट्स गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेट, कि जो एलील्स होते हैं एक कैरेक्टर को जो कंट्रोल करते हैं वो सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड ट्रांसमिटेड टू द गैमेट्स इन सच अ वे, और वो गैमेट्स में इस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं एलील्स दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील ऑफ अ कैरेक्टर, कि एक गैमेट में सिर्फ एक ही एलील आता है। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है जिसकी जीनोटाइप ये है, इससे जब दो गैमेट बनते हैं या जो भी गैमेट बनते हैं उसमें एक गैमेट के अंदर कैपिटल टी होगा तो दूसरे गैमेट के अंदर स्मॉल टी होगा, यानी कि एक गैमेट में दोनों एलील में से सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होता है। तो ये एक जो इन्फेरेंस या ये कह सकते हैं जो इंटरप्रिटेशन है वो मेंडल्स के इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से कैरी आउट की गई थी। दूसरा जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये कंप्लीटली रैंडम होता है, मीन्स इन दोनों में से कोई भी फैक्टर किसी भी गैमेट के अंदर जा सकता है। सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज कंप्लीटली रैंडम, पूरी तरीके से रैंडम होता है। मीन्स ऐसा नहीं होता कि एक ही जो एलील है वो सबसे ज्यादा गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, 50% होता है। अगर दो तरह के गैमेट बन रहे हैं तो 50% के अंदर कैपिटल टी होगा, 50% के अंदर स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। तो ये तो हो गया गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और जब जायगोट फॉर्मेशन होती है तो रैंडम फ्यूजन होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट और जायगोट्स। रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, जो
गैमेट से उसका रैंडम फ्यूजन होता है जायगोट फॉर्मेशन में, मींस जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी वाले के साथ कंबाइन कर सकता है, स्मॉल टी वाले के साथ भी कंबाइन कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चले, प्योर टोल प्लांट जो मेंडल ने दिया था, प्योर टोल प्लांट, इसकी जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको क्रॉस कराया गया था ड्वार्फ पी प्लांट के साथ जिसकी जीनोटाइप है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जब यहाँ पे गैमेट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह के एलील्स हैं, तो एक ही तरह के गैमेट बनेंगे सारे। ये गैमेट है, एक ही तरह के गैमेट है। जब इनका फ्यूजन होता है तो क्योंकि एक ही तरह के गैमेट है, अगर हम इस वाले प्लांट को, डोल प्लांट को अगर हम मान लो मेल मान लेते हैं, तो मेल प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके मेल गैमेट है या जो पोलन ग्रेन है जिसके अंदर कैपिटल टी कैरी करने वाले गैमेट्स हैं, उसको डिलीवर कर देता है फीमेल के जो स्टिग्मा पार्ट है। तो जो उसके एक्स होंगे फीमेल के केस में, उनमें सभी गैमेट्स के अंदर स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। जो यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्टेन होते हैं F1 जनरेशन, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहां तक जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह का कॉम्बिनेशन F1 के अंदर आता है। अब F1 जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन आ गया, अभी नहीं F1 को हम सेल्फिंग कराते हैं। दोबारा जब एक ही इंडिविजुअल है, उसी के सेल्फिंग का मतलब उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर, तो हम इसको मान लेते हैं इसका मेल पार्ट और ये इसका फीमेल। गैमेट फॉर्मेशन होगा, जैसे मैंने बोला कि गैमेट फॉर्मेशन पूरी तरीके से रैंडम होता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी गैमेट के अंदर कोई भी एलील जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि दो तरह के एलील्स हैं, तो दो तरह के ही गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पे भी दो तरह के ही गैमेट्स बनेंगे। अब मैंने क्या कहा, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, कि जिस टाइम पे जायगोट बनती है, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, रैंडम फ्यूजन होता है। मींस ये कैपिटल टी इन दोनों में से किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, ये पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा के ऊपर डिपोजिट हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब जब ये क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जब इस तरीके का रैंडम फ्यूजन होता है, तभी इस तरह की हमारे पास जीनोटाइप आ सकती है। अब जब इस तरह की जीनोटाइप आती है, तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों F2 जनरेशन के अंदर वापस ड्वार्फ कंडीशन आ जाती है। अगर F1 कंडीशन में कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाती तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हाइट आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। यहाँ पे सारे टोल प्लांट थे और बिल्कुल जो प्योर टोल प्लांट है उसके जैसे ही थे, आइडेंटिकल थे, कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलील्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जब वो दोबारा से F2 जनरेशन में एक जैसे कंडीशन में पहुंचते हैं तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर अपीयर हुआ था। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हम इस तरीके के इंटरप्रिटेशन पे पहुंच पाते हैं। अब इस इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जीनोटाइप क्या होती है, फिनोटाइप क्या होती है। यहाँ पे जीनोटाइप की अगर हम बात करें, तो एक जीनोटाइप तो दोनों कैपिटल टी वाली है, चार तरह के सीड हमें मिल रहे हैं, या हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे पास ये चार ही सीड है। तो एक सीड के अंदर जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी, दो सीड है जिसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और एक सीड ऐसा जिसमें दोनों स्मॉल टी है। तो ये हमारे पास जो रेशियो ऑब्टेन होता है, इसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ये जीनोटिपिक रेशियो है जो कि ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करें, यानी कि इस जीनोटाइप से किस तरह का प्लांट प्रोड्यूस होगा, तो हम कह सकते हैं टू। इन दोनों के अंदर देखें तो कैपिटल टी प्रेजेंट है, और जब भी कैपिटल टी प्रेजेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इन दोनों के केस में भी कैसे प्लांट प्रेजेंट होंगे, टोल। लास्ट वाले केस की अगर हम बात करें, तो वहां पे कोई भी कैपिटल टी नहीं है, और ऐसे केस में यहाँ पे जो प्लांट ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा, ड्वार्फ। रेशियो अगर हम इनका चेक करना चाहें, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, दैट इज 1:1 3:1।
तीन प्लांट टोल होंगे और एक प्लांट ड्वार्फ होगा, ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये वाला भी टोल है और ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होगा जबकि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा। सो ये कंक्लूजन निकल के आता है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। नेक्स्ट थिंग, जो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे इनके सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पुनेट स्क्वायर चार्ट दिया गया है। ये पुनेट स्क्वायर चार्ट एक पर्टिकुलर जो जेनेटिसिस्ट थे दैट इज रेनिगोल्ड सी पुनेट, उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया था कि गैमेट्स की जीनोटाइप क्या हो सकती है, गैमेट्स जो जायगोट्स बनते हैं उनकी जीनोटाइप क्या हो सकती है। फॉर द जीनोटाइप्स of gametes and zygotes of F1 and F2 generations, Punnett square chart was introduced। इनकी जीनोटाइप को कंसीडर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए पुनेट स्क्वायर चार्ट है जो उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, पुनेट स्क्वायर चार्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जेनेटिसिस्ट रेनिगोल्ड सी पुनेट ने जो पुनेट स्क्वायर चार्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। पुनेट स्क्वायर चार्ट का मतलब क्या होता है, पुनेट स्क्वायर चार्ट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज various genotypes in a genetic cross। एक genetic cross के अंदर कितने तरह की genotype obtain हो सकती है उसके लिए जो graphical representation दी गई थी उसको Punnett square chart बोला जाता है। इसको R.C. Punnett ने introduce किया था और इसमें गैमेट्स या जायगोट कोई भी इंडिविजुअल है उसकी सभी तरह की जीनोटाइप यहाँ पे कंसीडर की जा सकती है। अब पुनेट स्क्वायर चार्ट में किस तरह के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, द जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स आर रिप्रेजेंटेड on generally on top and left polars। टॉप और लेफ्ट कोलम्स पे जो गैमेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ऑल
पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर बॉक्सेस विच जनरेट पुनेट स्क्वायर। जो पुनेट स्क्वायर जो चार्ट है उसको ये एक तरीके से जनरेट करते हैं। किस चीज की हम बात करें यहां पे, जैसे पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो भी गैमेट्स हैं, जीनो टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जैसे हमने टोल प्लांट और द्वार प्लांट लिए थे, टोल प्लांट और द्वार प्लांट और उनसे जो क्रॉस करा के हमारे पास ये वाली प्रोजेनी ऑब्टेन हुई थी हाइब्रिड, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसकी गैमेट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम मेल मान रहे हैं या फीमेल मान रहे हैं, उसमें से एक गैमेट की जीनोटाइप ये होगी, दूसरे वाले की ये होगी, इधर दूसरे वाला पेरेंट होगा उसकी गैमेट की जीनोटाइप हो जाएगी। तो अगर हम इसको मेल मान लेते हैं तो ये गैमेट्स होंगे फीमेल के, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है गैमेट के फ्यूजन से जो जायगोट के कॉम्बिनेशन आते हैं, ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो हमारे पास चार तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए हैं। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्क्वायर चार्ट के फॉर्म में, उसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। मेंडल के केस में जो भी मेंडल के रिजल्ट थे, हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो भी आगे हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे मेंडल के, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस या इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जो भी हम स्टडी करेंगे वो इसी तरीके से के चार्ट से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब जो आरसी पुनेत, रेनगोल्ड सी पुनेत ने किस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन थे मेंडल के, उसको कैसे ऑब्टेन किया था, किस तरीके से उसका चार्ट ऑब्टेन किया था, तो यहां पे स्क्वायर चार्ट के अकॉर्डिंग प्योर टोल पी प्लांट, प्योर टोल पी प्लांट दैट इज द पेरेंट्स। अभी हम पेरेंट्स की बात करें, यानी कि जो मेंडल ने किया था उसी को यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ड्वार्फ पी प्लांट, ये दो प्लांट होंगे। सेकेंड थिंग आती है गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट्स। अब टोल पी प्लांट है तो जेनेटिक मेकअप ये वाला होगा, यहां पे जेनेटिक मेकअप ये होगा जीनोटाइप। गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहां पे सारे गैमेट एक ही तरह के होंगे, यानी कि सभी के अंदर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा, यहां पे सभी गैमेट के अंदर स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। फ्यूजन होता है तो सभी गैमेट फ्यूज करके एक ही तरह के जायगोट बनाते हैं, जिसका जेनेटिक मेकअप ये होगा, और इनको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे आगे की जो कंडीशन होती है वहां पर हम पुनेट स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे पास F1 इंडिविजुअल्स ऑब्टेन हुए हैं, इनकी हम कराते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट कराना। तो अब एक प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो हम मेल भी उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल भी उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये उसी का पार्ट है, उसी को हम मेल और उसी को फीमेल कंसिडर कर रहे हैं। F1 पेरेंट की हम बात कर रहे हैं, ये F1 पेरेंट हो गए, यानी कि उसी का मेल पार्ट है, उसी का फीमेल पार्ट है। जीनोटाइप F1 की हमने यहाँ पे दोनों पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। गैमेट फॉर्मेशन की बात की जाती है, किस तरह के गैमेट बनेंगे, दो तरह के गैमेट यहाँ पे बन जाते हैं। अब बात करते हैं इनके रैंडम फ्यूजन की, कि किस तरीके से फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम चार्ट बना सकते हैं। पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक पेरेंट के जो गैमेट्स हैं उनकी जीनोटाइप को हम टॉप में डालते हैं, जैसे ये वाला पेरेंट है इसके हमने टॉप में जीनोटाइप डाल दी है। दूसरे पेरेंट्स की जो जीनोटाइप है या गैमेट्स हैं उसको हम
लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो दो तरह के गैमेट इसमें बनाए थे, यहां पे लिख दिए, दो तरह के गैमेट इसमें बनाए थे, यहां पे लिख दिए। एक और चीज, ये जरूरी नहीं कि ये वाला जो पेरेंट है उसी के गैमेट यहाँ पे हो, आप कोई भी पेरेंट के गैमेट टॉप में लिख सकते हैं और जो बच जाता है उसको फिर लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। अब अगर मान लो हम इसको मेल मान लेते हैं और इसको फीमेल मान लेते हैं, तो इस केस में मेल क्या बना था, पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स जिनके अंदर मेल गैमेट है वो हो गए। तो ये पोलन ग्रेन किसी भी एग के साथ जाके अपना मेल गैमेट डिलीवर कर सकता है। तो यहाँ पे जब फ्यूजन होगा तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, कैपिटल टी। ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो इस तरह की कंडीशन हमें मिल जाती है। अब जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो एक कॉन्सेप्ट आती है हमारी डोमिनेंस और रिसेसिव की। डोमिनेंस और रिसेसिव ये क्या होता है? जनरली डोमिनेंस उस स्टेट के लिए और डोमिनेंस उस स्टेट या उस फैक्टर के लिए यूज किया जाता है जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में कौन सी स्टेट एक्सप्रेस कर रही है, टोल या ड्वार्फ? तो कौन सी एक्सप्रेस कर रही है, टोल। तो इसका मतलब डोमिनेंट कौन है, टोल ट्रेट। टोल ट्रेट इज डोमिनेंट। जो एक्सप्रेस F1 जनरेशन में नहीं करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट। तो जो ड्वार्फ ट्रेट है दैट इज रिसेसिव। टोल ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा फैक्टर होता है, कैपिटल टी। तो इसका मतलब जो कैपिटल टी है दैट इज अ डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील कुछ भी इसको बोल सकते हैं। इधर रिसेसिव की बात करें तो स्मॉल टी यानी कि जो ड्वार्फ ट्रेट है उसको कौन कंट्रोल करता है, स्मॉल टी। तो जो स्मॉल टी है इसको हम बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर और एलील। रिसेसिव फैक्टर या रिसेसिव एलील हम स्मॉल टी को बोलते हैं। तो यहां पे डोमिनेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है, विच ऑलवेज एक्सप्रेस, जो हमेशा एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट फैक्टर विच ऑलवेज एक्सप्रेस, जो हमेशा एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट फैक्टर बोला जाता है। और रिसेसिव किसको बोलते हैं, विच एक्सप्रेस ओनली